नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। रोल दोस्तों, रेलवे NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मैं GK के प्रीवियस ईयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो 2016 से लेकर 2021 तक की रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी आने वाली परीक्षा NTPC CBT 2 के सभी लेवल और साथ साथ ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न हैं जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अल्बुकर्क के बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना, किसने छीना था? यूसुफ आदिल शाह ने। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था एमएनएसटी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया, कौन से देश में? भारत में। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास करना। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है, कौन सी गैस? मस्टर्ड गैस बनाता है। निम्न में कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, कौन सा नहीं है? टेसियम, कौन सा? टेसियम। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, किसकी इकाई का? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, किसकी? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, कितने सदस्य होते थे? 390। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया, कौन सी नीति प्रस्ताव पर दिया गया था? 1977 की औद्योगिक नीति में। सबसे लवणीय सागर है, कौन सा सागर है? मृत सागर। भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, कौन सा कार्यक्रम? RLEGP। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है, कौन सा? पोर्ट सईद बंदरगाह। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस? पारे की वाष्प और आर्गन, पारे की वाष्प और आर्गन गैस। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है, किस प्रकार की? अवरक्त तरंग का। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, कितने निर्वाचन? 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। स्तनधारी हमसे यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी जो होते हैं वो हमसे यूरिया बनाते हैं, कैसे? यकृत, लीवर से। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25 मई को। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी फसल के लिए? रसीले फल के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा।
दफला तथा सिंहपू जनजातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रदेश में पाई जाती है, कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? कितने लाख डॉलर का? 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? किसका? एल्यूमिनियम का। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कैसी थी? उचित समतावादी पद्धति। रेशम पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? सेरी कल्चर। क्या कहलाता है? सेरी कल्चर। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए खालिस्तान की सेवा की शुरुआत की थी। कौन सी सेवा की शुरुआत की थी? कौन सी सेवा? किसान क्रेडिट कार्ड। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए कौन सी सुविधा की शुरुआत की थी? कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड की। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? भारतीय महिला टीम की कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? कौन? शेफाली वर्मा। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलिसिस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया? कौन सी सरकार ने? गुजरात सरकार ने। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे के स्थापना की सलाह दी है? कितने? 2। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? कौन से क्षेत्र से? सामाजिक कार्यकर्ता। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? धर्मपाल। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा? रेत। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? किन परिस्थितियों में? इनमें से सभी, यानी कि युद्ध की स्थिति में भी कर सकता है, बाह्य अगर आक्रमण हो रहा है तब भी कर सकता है, और अगर सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो भी कर सकता है। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? किससे है? भारत बांग्लादेश से। म्यू सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। एक एस्किमो निवासी है, कहाँ के? कनाडा के। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, कहाँ पर थे? कोलकाता में। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? कितना प्रतिशत? 24% भाग। 1990 में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? किसके द्वारा? निजी क्षेत्र के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने निम्न में से किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? किस रेस को? बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा? ओडिशा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे अंततः ये स्थित है। काहिरा का समय जो है वो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः ये स्थित है। कौन से उस पर स्थित है? ये
30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है ये। निर्माण को दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक चट्टान है? निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? कौन सी? आग्नेय चट्टान। गहन कृषि से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? कनाडा में गेहूं की कृषि। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।